थोड़े से सामान अपनी तरफ से इनको यहाँ पे गिफ्ट दूंगा, और इनका थोड़ा सा जो है यहाँ पर कुछ पैसे हैं जो मेरे से बनेंगे इसमें, ठीक है, जो मेरे से बनेंगे अभी इसमें। यहाँ पर कोई मैं कोई बड़ा चढ़ा के कोई कुछ नहीं कर रहा, ना ही कुछ अपना नाम करने के लिए कुछ नहीं। मेरे से इन भाइयों ने जो मेरे से कहा था वो मैं इनके लिए यहाँ पर दे रहा हूँ सामान, कुछ पैसे दे रहा हूँ अपनी तरफ से जो इनके कुछ इनके लिए कुछ काम में, ठीक है, इनके कुछ काम में आएंगे। अब ये क्या करेंगे इनसे? सर के कानों में डाला जाएगा, सर जरूर करेंगे, मगर सर जैसे सुना और उसी समय एक्शन लिया, ये तो हमको बहुत खुशी लगी इससे। लेकिन जब सर तक बात पहुंची, सर ने तुरंत एक्शन लिया, कापी उठाई, कलम उठाया, दूसरे लड़के को दिया कि सर इनका सामान लिखिए। तुरंत जो सामान इनके पास नहीं था तुरंत सर ने लिखवाया। वीडियो में बताया था कि जो यहाँ पर नहीं सीख सकता वो कहीं नहीं सीख सकता। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो पर स्वागत है। आज हम आपके लिए कोई टॉपिक लेके नहीं आए, यहाँ पे एक हमारे साथ में एक हमारे भाई कह सकते हो, स्टूडेंट कह सकते हो, जो भी आप समझना चाहो समझ सकते हो, ये बैठे हैं और आप खड़े हो जाओ ना, ये बैठे हैं यहाँ पे, आप जो आपके सामने खड़े हैं। अब इनके साथ में क्या परेशानियाँ क्या नहीं है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेरे को तो नहीं मालूम, ये सारे भाई जितने भी बैठे हैं ना सब सीख रहे हैं, बताएँगे और ये किस जगह से है वो सारी चीज़ बताएँगे। अब यहाँ पर कुछ सामान है, ठीक है, दुनिया अपने लिए कमाती है, अपने लिए करती है, लेकिन हम इनकी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं जो दुकान ये खोलना चाहते हैं उस दुकान खोलने में इनकी थोड़ी बहुत हमारी तरफ से थोड़ी सी हेल्प हो जाए तो हमारे को खुशी मिलेगी, क्योंकि हम या आप जो वीडियो देख रहे हैं सभी लोग अपने लिए मेहनत करते हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा सभी से कहना कि आप जो मेहनत करते हैं आप किसी भी प्रकार से उसमें थोड़ा थोड़ा सा निकालते रहिए। इनकी क्या परेशानी थी क्या प्रॉब्लम थी वो सब यहाँ पे मैं पूछ पाऊँगा, मेरे को तो कुछ नहीं मालूम, मेरे को बताया था। तो मैं इनको कुछ थोड़े से सामान अपनी तरफ से इनको यहाँ पे गिफ्ट दूंगा, और इनका थोड़ा सा जो है यहाँ पर कुछ पैसे हैं जो मेरे से बनेंगे इसमें, ठीक है, जो मेरे से बनेंगे अभी इसमें। यहाँ पर कोई मैं कोई बड़ा चढ़ा के कोई कुछ नहीं कर रहा, ना ही कुछ अपना नाम करने के लिए कुछ नहीं। मेरे से इन भाइयों ने जो मेरे से कहा था वो मैं इनके लिए यहाँ पर दे रहा हूँ सामान, कुछ पैसे दे रहा हूँ अपनी तरफ से जो इनके कुछ इनके लिए कुछ काम में, ठीक है, इनके कुछ काम में आएंगे। अब ये क्या करेंगे इनसे कैसे करेंगे आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और जो भी भाई देख रहे हैं सभी देखें, और क्या चीज़ है कैसे है ये कुछ अपने आप ही बताएंगे यहाँ पे। आप इनके बारे में बताइए फिर ये अपने आप खुद बता देंगे सारी चीज़। जी मेरा नाम कुलदीप है, बरेली से हूँ मैं, ये हमारे साथ के ही छात्र हैं। हमें जब कमरे में रह रहे थे तो हमें ये महसूस हुआ था कि बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे सर ये, जब ये परेशान रहते हमने दूसरे से जिक्र भी करा था, पहले हम इनसे थोड़ा मजाक करते थे तो ये हमारे पास से भी उठ के चले गए जी। दूसरी जगह जब पहुँचे तो हमने इनसे बोलना चाहा लेकिन फिर बोलना बंद कर दिया इनने। हमने इनके अंदर जाके जब जहाँ का बोले ऐसा है कि आप मुझसे बात मत करिएगा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मैं यहाँ पर जो कोचिंग करने आया हूँ वो रेंट पर और उस तरीके से जो ले कर आया हूँ उधार ले कर आया हूँ, और मुझ पर बहुत बड़ा कर्जा है, अगर मैं नहीं सीखा यहाँ पर तो मैं मर जाऊँगा इस तरीके से। और सर रास्ते में इनके पैसे भी किसी ने पुलिस के द्वारा पकड़ लिया था, जो 2-4 हज़ार रुपये थे वो ले लिए। अब यहाँ पे ना चाय पीने तक के पैसे नहीं थे, तो हम सब लोगों ने ये सोचा, हमने कैसा है ये बात जो है सर के कानों में डाली जाए। तो सर जब सर हमारे यहाँ इतने अच्छे हैं कि उन्होंने फौरन तुरंत ही एक्शन लिया इस पर, तो हमने और सर के द्वारा तुरंत ही इनकी थोड़ी थोड़ी जो हमारी मदद करने की थी वो हमने करी, और सर ने जो करी है वो तो आपको दिख ही रही है। तो देखिए हमने जो इनकी दुकान है उसको खोलने में हेल्प की है, जो ये दुकान खोलेंगे ना उसमें हेल्प की है कि जो सामान ये नहीं खरीद पाते वो खरीद लें। अब इनके पास जो सामान था वो मैंने नहीं दिया, जो इनके पास नहीं था वो मैंने इनको दे दिया, जिससे कि अपना काम आगे जी सर बढ़ा सकते हैं। अब बाकी के इनके जो भी रूम पार्टनर हैं सब ने जितना भी हुआ सब ने मदद किया, ठीक है, लेकिन हमारे को कुछ नहीं पता था, इन्होंने भाई ने बता दिया है। अब ये आप बताओ इसमें किस जगह से हैं? ओडिशा से हूँ मैं। ये ओडिशा से हैं, तो आप क्या करते थे इससे पहले? इससे पहले एलईडी टीवी रिपेयरिंग काम करता हूँ। एलईडी टीवी रिपेयरिंग का काम करते थे, तो दिन में कितने पैसे कमा लेते थे? दिन में नहीं सर, 2-3 दिन में ऐसा होता है, 2000-2000 ऐसा होता था। 2-3 दिन में कितना कमाते थे? कभी किसी दिन होता था कभी नहीं होता था, कभी होता था नहीं होता था सर। तो आपकी दुकान कितने दिन से है इसकी? अभी 3 महीने सर। 3 महीने से दुकान है। तो देखिए ये बता रहे हैं वहाँ पर कोई अर्निंग नहीं थी दुकान की, तो आपने यहाँ पे हमारा आने के RPP ही क्यों ज्वाइन किया?
सर यहाँ पे तो फीस कम है और मेन चीज था फीस का, क्या फीस कम है? देखिए हमारा फीस कम करने का कारण या जो भी आप समझना चाहें बस एक ही है कि जो भाई ज़्यादा पैसा खर्चा ना करके सीख नहीं पाते वो हमारे पास में आके सीख सकते हैं, लेकिन इनकी तरह आगे भविष्य में जो भी कोई आएंगे हम उनकी भी ऐसी मदद जितना बनेगा उतना हम करते रहेंगे सभी के लिए। अब जो हमने सामान दिया है ये आपके पास दुकान पे है या नहीं? नहीं है सर, इतना सारा सामान नहीं है। ये सामान नहीं है ना, तो आप इनसे सामानों से कुछ फोन कुछ अर्निंग कर पाओगे इनसे फोन ठीक करके? हाँ सर। तो आपको खुशी हो रही है नहीं हो रही इसमें? सर बहुत खुशी हो रही है सर। तो देखिए ये खुश हैं तो हमारे लिए वही खुशी है सबसे ज़्यादा। पैसा तो सब कमाते हैं, हम भी कमाते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा सब कमाते हैं, अपने लिए कमाते हैं, थोड़ा सा उसमें से दूसरे के लिए हेल्प मदद के लिए निकाल के रखें, जिससे कि सामने वाला कोई आदमी आगे बढ़ना चाहता है, आगे नहीं बढ़ पाता तो आगे बढ़ने में उसकी हेल्प हो। तो और कोई कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं सर। इन्होंने आपने इनकी मदद ही नहीं करी, अपना आपने इनकी लाइफ भी बचाई है सर। ये तो ऐसे मान के चलो इतनी डिप्रेशन में पहुँच गए थे, कैसे मान के चलो सुसाइड करने की नौबत थी इनकी, क्योंकि एक भी पैसा बचा नहीं था इन पर सर। पर तब इन्होंने हमने बहुत ही ज़्यादा उकसाने के बाद ये महसूस हुआ इनके अंदर झांकने के बाद कि इंसान अंदर से टूट ही चुके हैं कतई, तब सर हमने आपके कारण बताई थी आके। यही है कि जो भी कोई भी कहीं भी परेशान है, नेचुरली परेशान है, तो उसकी मदद करनी चाहिए, कब पता नहीं कब किसका वक्त कैसे आ जाए। और सब इस मदद से इनकी के ही काम में आता है, भगवान नहीं आएगा ऊपर से उतर के मदद करने के लिए। सर इससे इनकी मदद भी हो गई, लाइफ भी बच गई सर। लाइफ भी बचेगी और थोड़ा सा अपना भविष्य भी बन गया, भविष्य भी बचाएंगे और थोड़ा सा पैसा भी कमाएंगे। तो दो अगल जी को दो, हां बता दो जो भी आप कहना चाहो। हेलो मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं सुल्तानपुर यूपी से हूं और हम यही अक्टूबर ग्रुप में आए थे मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए, RPP ग्रुप इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे हमको हमारे ही ग्रुप में गोपी चंद बिसोई जी मिले और ये बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के हैं, बहुत साधारण हैं, बहुत बढ़िया हैं। और हमको लगा कि ये कुछ जैसे परेशान रहते हैं, कुलदीप जी ने जैसा बताया तो हम लोगों को भी मालूम पड़ा, ग्रुप में सबको मालूम पड़ गया। तो हम लोगों ने विचार किया कि कुछ ना कुछ इनको मदद की जाए, जितना भी जिससे हो सकता है प्रति व्यक्ति जो भी दे सके वो इनको दे के इनको हम लोग कुछ ना कुछ मदद की जाए इनकी। तो इसको हम लोगों ने अपने सर जी के पास ये बात रखी तो सर जी ने भी काफ़ी मदद की, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इनको बहुत कुछ दिया गया है, पैसे भी दिए गए हैं। और RPP ग्रुप इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे सब चीज़ बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, सब कुछ बहुत बढ़िया है सर। और जिनको आना है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे पढ़ाया सिखाया जाता है, वो आ सकते हैं। और जैसा कि मदद हो रही है यहाँ पे तो आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे व्यक्तित्व के हमारे सर जी हैं और बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे सब माहौल, बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और क्या बताएं, आप सब लोग वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा। मेरा नाम गुलाम हुसैन है, हम गोरखपुर से हैं और सर का हमने भी वीडियो देख के ही आया क्योंकि इनका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। और हम लोग ग्रुप में न जाने लगभग 15 से 20 बच्चे थे, तो हमारे साथ एक जो हमारे भाई हैं, भाई की तरह हैं, तो हमारे जो हमारे साथ जो 15 बच्चे लोग हैं फ्रेंड लोग, एक तरह समझे कि घर का माहौल बन गया, दोस्त की तरह हम लोग रहने लगे। तो हमारे कुलदीप भाई ने बात किया तो ऐसे ऐसे बात बताएं कि ऐसे हैं कि गोपी भाई थोड़ा माली हालत से बहुत ये हैं, तो ऐसा किया जाए हम लोग मिलकर कुछ मदद किया जाए। तो हमने भी किया, बहुत अच्छी बात है, इस समय तो आगे रहना चाहिए। और हमारा भी यही सोच है कि इस कहीं भी कोई परेशान हो तो उनको भी मदद करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ने जो सोचा कि सर के कानों में डाला जाएगा, सर जरूर करेंगे, मगर सर जैसे सुना और उसी समय एक्शन लिया, ये तो हमको बहुत खुशी लगी इससे। तो मेरा ये कहना है कि जो भी हैं जहाँ से भी देख रहे हैं वीडियो, अगर आना चाह रहे हैं
तो बेझिझक आइए और सर से अपनी हालात जो इस जैसा भी हो बात कीजिए, सीखिए। इसमें ये सिखाने की इनका बहुत अच्छा शैली है, तरीका है। आप जितना समय देंगे उनके पास बताएंगे भी, इसमें आप कन्फ्यूजिंग ना रहें। और फ्रेशर के लिए तो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, बाकी तो खैर आप लोग जानकार कहीं से भी जानकारी ले सकते हैं। सर से बात कीजिए, क्लोज एकदम फ्रेंड की तरह सर भी बात करते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। बस मेरा यही कहना है, कहीं भी परेशान लोग हों उनकी परेशानी के लिए मदद करें। हाँ भाई लोगों, मैं आगरा से हूँ, मेरा नाम परमवीर है और ये हमारे ग्रुप फ्रेंड हैं जो हमारे साथ मतलब कोचिंग कर रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छे स्वभाव के थे, ना ही किसी से ज़्यादा बोलना ना लड़ना, अपने आप में ही रहते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद ये ऑटोमेटिक ही थोड़ा उदास से होने लगे, तो हमने कई बार मतलब इनके अंदर की जो क्या प्रॉब्लम है जानने की कोशिश की, तो हमारे कुलदीप भाई हैं, इन्होंने पता किया कि थोड़े से अपने फैमिली की तरफ से यानी घर से वो वहाँ पे इनकी थोड़ा जो पैसे वगैरह खर्च वगैरह हो जाता है आम भाषा में, उसकी वजह से थोड़े परेशान से थे। तो इन्होंने बताया हमें, तो हमने सोचा इनके लिए कुछ किया जाए थोड़ा बहुत, जिससे ये मतलब आगे अच्छा सोच सकें, ना कि गलत सोचें। फिर हम सभी फ्रेंडों ने इनके लिए कुछ सोचा, और साथ में हमारे सर जी ने भी, और हमारे सर जी ने तो काफ़ी हमने जो सोचा उससे उम्मीद से भी ज़्यादा सोचा, हमने तो थोड़ा बहुत सोचा लेकिन उन्होंने उससे भी ज़्यादा सोचा। और हमारे भाई भी खुश हैं, अब तो खुश हो ना, अब हमारे भाई भी खुश हैं, कोई डिप्रेशन नहीं है। और हमारी आशा है ये यहाँ से जाने के बाद सीखने के बाद और आगे कुछ अच्छा ही करें और अच्छी सोच रखें भाई। टेंशन कभी मत लो, टेंशन है तो उसका समाधान निकालो, सोचो गलत सोचने से या सोचो कि मैं मर जाऊं ये कर लूं तो उससे कुछ नहीं होगा। चलो विशाल भाई, नमस्कार प्रणाम, मैं मनोज कुमार हरदोई यूपी से हूँ। हमारे भाई हैं, जैसे कि सब लोगों ने कहा वैसे ही मैं भी सेम बताना चाहता हूँ आपको। लेकिन जब सर तक बात पहुँची, सर ने तुरंत एक्शन लिया, कॉपी उठाई कलम उठाया, दूसरे लड़के को दिया कि सर इनका सामान लिखिए। तुरंत जो सामान इनके पास नहीं था तुरंत सर ने लिखवाया, उसके बाद में कुछ रुपए इनके बाकी थे तो सर ने कहा वो रुपए आप कुछ जो भी थे कि आप कब देंगे, फीस के बाकी थे तो सर ने कहा कि वो पैसे आपको देने पड़ेंगे, बाद में चाहे आपको वापस कर दें, क्योंकि गुरु का कर्जा अच्छा नहीं होता। फिर सर को इन्होंने पैसे दे दिए, सर ने अपनी तरफ से जो सामान लिखा और बाद में कुछ पैसे दिए वो अलग की बात है, लेकिन कर्जे की वजह सर ये चाह रहे थे कि मेरा कर्जा ना रह जाए किसी पे, तो उसके हिसाब से सर ने तुरंत एक्शन लिया था। आरबीपी इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, मेरे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं था तो सर से बोला, मेरा फ्रेंड को फीस लेने के लिए बार बार तंग तो नहीं किया कि नहीं सर बार नहीं सर नहीं बार बार तंग, बार बार तंग नहीं करते हैं। मेरे को तो याद भी नहीं था, आपको तो याद ही नहीं, वो तो खुद बोले इन्होंने बोला है। हाँ इन्होंने खुद बोला कि देना है। रहने खाने का भी पैसा लिया अलग से? नहीं सर, रहने खाने के लिए जो जितना सर ने बोला था उतना लिया था, उससे ज़्यादा पैसा तो नहीं लिया, नहीं एक भी पैसा। कोचिंग का रहने खाने का पीने का, लेकिन जो हमारी फीस है अब तो 21,000 हो गई है अभी। हाँ सर, लेकिन जो हमारी फीस है 21,000, ये इतनी फीस कम क्यों है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कम फीस है तो कम सिखाएंगे इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, कम से मतलब नहीं है। सर कैसा पढ़ा रहा है वो से मतलब सीखने के ऊपर खुद का ऊपर रहता है सर। कम फीस करने का हमारा मतलब एक ही है, फिर मैं बता देता हूँ कि जो 25-30-40-50,000 रुपये खर्चा करके नहीं सीख पाते नहीं सर, वो हमारे पास में आ सकते हैं बैठ जा। लेकिन लेकिन देखिए ये साफ बात थोड़ी सभी को बुरी लगती है, कौन ना वही चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा कम पैसे में सीख लें, सोचते हैं कि 1,00,000 रुपये के अंदर हमारा सारा सेटअप हो जाए। तो जो भाई सोचते हैं कि हम 1,00,000 रुपये के अंदर हम अपनी एक अच्छी दुकान खोल लें, काम भी सीख लें, तो हमारा फीस कम करने का बस यही मतलब है। जो ज़्यादा पैसे में नहीं सीख पा रहे या जिनके पास व्यवस्था नहीं हो पाती है वो हमारे पास में आकर सीख सकते हैं। जो 25-30-40-50,000 रुपये वाला कोर्स होता है हम आपको 21,000 में कराते हैं, जिसमें कि हम रहना खाना फ्री करा रहे हैं। आप कुलदीप बताएंगे जो फीस का हमारा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कम फीस है कम सिखाएंगे, इसमें क्या सिखाएंगे? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अपडेट होना तो अपने ऊपर रहता है सर,
और यहाँ तो मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बताया था कि जो यहाँ पर नहीं सीख सकता वो कहीं नहीं सीख सकता। अब फीस बढ़ाने को तो हम भी रख सकते हैं 40,000-50,000, लेकिन उससे क्या होगा, जो अदर इंस्टीट्यूट हैं और हमारा इंस्टीट्यूट लेवल तो बराबर हो गए। जी सर, लेवल बराबर। कहाँ मतलब रहा जो हम टाइटल डालते हैं, रोजगार भी, शिक्षा भी, सेवा भी? नहीं सर, सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं यहाँ पे, है ना। और जो मिडिल परिवार से हैं या नॉर्मल परिवार से हैं वो यहाँ पे आके अपना बिल्कुल सीख सकते हैं। और इसलिए हमारे पास में बुकिंग एडवांस है 2-3 महीने की, भाईचारा भी है, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा तो नहीं है यहाँ पे, एक व्यवहार जो देखते हैं कहते हैं कि अरे हम सर हैं और सामने वाला स्टूडेंट है कोई नहीं। सर यहाँ पे व्यवहार की तो बात ही मत करो सर, यहाँ पे सुबह 8 बजे से कभी कभार तो ऐसा होता है सर हमारे 11-11 बजे तक पढ़ाते हैं। और अभी भी समय जो हो रहा है हमारा, ऐसे मान लीजिए आप 9:30 बजे का टाइम हो रहा है जिस समय ये वीडियो शूट हो रही है। जी कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं। 10 बज रहे हैं। अब यहाँ पे जो माहौल है ऐसा तो नहीं है कि हम किसी जगह फंस गए आके? नहीं सर, मुझे तो पहले ऐसा लग रहा था कि मैं रुकूंगा कैसे, लेकिन अब तो ऐसा लगता है घर जैसे घर की याद भी नहीं आती। हाँ जी, जाने का मन ही नहीं हो रहा सर, ऐसा लगता है यहीं पे। ऐसा है 2 बजे तक बैठ पढ़ाएंगे तो हम लोग 2 बजे तक पढ़ेंगे, रात भर बैठ के पढ़ते रहे। जी मन नहीं करता घर जाने का, नींद नहीं आती है, वहाँ भी नींद सबसे पढ़ा ठीक है। तो फीस कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कम सिखाएंगे, सीखना तो आपको है, मेहनत आप करेंगे, मेहनत कुछ नहीं होगा, हम बताते जाएंगे सिखाते हैं। कितनों भी विद्वान मेहनत करेंगे तो ये पाएंगे विद्वान, ठीक है।